रहे थे। इटावा में, अलीगढ़ में जब मैं अतरौली में कार्यक्रम किया, 35 से 40 हजार लोग उठे और लोगों ने ये कहा कि नेता जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे जैसा नेता हम लोगों ने आज तक नहीं देखा, हम आपके साथ रहेंगे। तो चारों तरफ उत्तर प्रदेश के 75 जिला 25 करोड़ आबादी में सब लोग ओम प्रकाश राजभर, कभी हमारे सहायक पंचायत बेचारे 6000 तक मिलता था, अब 6000 में क्या हो सकता है, लेकिन घबराओ नहीं, हम जब से पाए हैं तब से अनुभव कर रहे हैं चर्चा शुरू। अभी एडीओ पंचायत हमारे हैं, सहायक पंचायत अधिकारी, उनकी चर्चा फाइल शुरू हो गई है। हम काम पे विश्वास करते हैं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी ताकत हमारी कलम में है मंत्री के, उतनी ताकत लगा करके आपको न्याय दिलाने का काम करूंगा। और हमारे सफाई कर्मचारी, मैं आपसे भी कहूंगा कि मैं प्रयासरत हूं, मैं एक दिन गया था, जिला नहीं बताऊंगा, नाम भी नहीं बताऊंगा, एक जिले में गया, उनके साथ 10 हमारे सफाई कर्मचारी, 2 आदमी कुत्ता लेके टहराने जा रहे हैं, 2 आदमी उनके दरवाजे पर खड़े, 2 आदमी सफाई कर रहे हैं, 2 आदमी खाना बना रहे हैं, इसी नाते भर्ती हुई सफाई कर्मचारी की। मैंने उसी दिन मन बनाया कि तेरे दरवाजे से अब ये कुत्ता नहीं टहलाएगा, इसको जो काम है सीना उठा करके ऊंचा करके वो अपना काम करेगा, तेरे दरवाजे नहीं रहेगा। उधर भी मेरा ध्यान है। इस नाते साथियों, जो आपकी मांग उस पर विचार चल रहा है, हम चाहे अपने विभाग के डायरेक्टर हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, हम संबंधित सभी लोगों से इन सब बिंदुओं पर चर्चा करता रहता हूं कि भाई ये मेरी समस्या है, पंचायत विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, ये दोनों मेरा विभाग, ये मेरी समस्या है, इसके अंदर जो भी समस्या है वो समस्या का समाधान करने के लिए हम बराबर अनवरत। हमारे साथी रेडियो पंचायत चलने के लिए साधन है, हमने कहा कि वाहन भत्ता लिखो, लिखवा करके फाइल शुरू हो गई है, जल्द ही वो काम भी आपका हम करवाने जा रहे हैं। आप धैर्य रखो थोड़ा और मेहनत करो, मेहनत करो, ईमानदारी से हम लोग विभाग को बेहतर करें, पीछे क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग मिलकर बेहतर करने का काम करें, इसी में हमारी आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और मुख्यमंत्री जी की भी मंशा, जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उस मंशा के हिसाब से हम लोग काम करें, कौन क्या कहता है कहने दीजिए, लेकिन मैं आपको भी आश्वस्त करता हूं कि जब तक मैं हूं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। गरीबों, हमको खाली बता दो, देखो हम तो, हमारे सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब लोग हैं, हम तो मीटिंग में कहते हैं खाने पर जाओ तो सफेद कपड़ा लेके ना जाओ, ये हमारी तरफ पीला साफा लेकर आप खाने पर जाओ, तेरी शक्ल में ओम प्रकाश राजभर दिखेगा।